हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू क्वेश्चन। इस सर्किट में हमें जेड पैरामीटर्स फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो, इसमें एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी गिवन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वही, ये V1, ठीक है, और इससे करंट फ्लो होती है I1। टू पोर्ट नेटवर्क में ऐसे ही करते हैं। इधर एक V2 होता है, फिर वहाँ से करंट I2। तो अब करना क्या है, इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना? Vx। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या देगा? इसमें फ्लो होने वाली करंट। तो इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी हो जाएगी? Vx अपॉन 1, जो आएगी Vx एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ इस वाले नोट पे आओ, I1 आ रही है और Vx नीचे जा रही है, तो इसमें कितनी जा रही होगी? देखो I1 यहाँ पर आ रही है, कि I1 होगी, Vx नीचे जा रही है, ये हमने अभी निकाली है। तो इधर कितनी जा रही होगी? I1 माइनस Vx, ठीक है। ये I1 माइनस Vx यहाँ पे आ रही है, I2 भी आ रही है, तो इस वाले इसमें कितनी करंट जा रही होगी? I1 माइनस Vx प्लस I2, ठीक है। अब क्या करेंगे के, हम क्या करेंगे, KCL लगाएंगे। पहले मैं अंदर वाले इस वाले लूप में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मिला पहले माइनस Vx, तो माइनस और Vx प्लस 4 इंटू I1 माइनस Vx प्लस 2 इंटू, इस वाले में लगा रहा हूँ, I1 माइनस Vx प्लस I2। और यहाँ पर आके अगेन माइनस साइन मिल रहा, माइनस 2 Vx इजिकल्स टू 0। यहाँ से Vx की वैल्यू निकाल लो I1 और I2 के टर्म में। तो यहाँ से कितना आएगा? माइनस ऑफ Vx 4 I1 माइनस 4 Vx 2 I1 माइनस 2 Vx 2 I2 माइनस 2 Vx इजिकल्स टू 0। Vx वाले गिनो, माइनस Vx माइनस 4 Vx माइनस 5 हो गया, माइनस 7 माइनस 9, उधर जाके ये प्लस का हो गया, यानी 9 Vx इजिकल्स टू 4 I1 प्लस 2 I1 6 I1। I2 वाले गिनो, केवल एक ही है, 2 I2। तो यहाँ से Vx की वैल्यू कितनी आ गई? 6 I1 प्लस 2 I2 अपॉन 9, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब KVL लगाओ, एक बार इस वाले में लगाओ, तो क्या आएगा? V1 माइनस ऑफ V1 प्लस I1 इंटू 1, है ना, और इधर से आए प्लस Vx इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से इसको सोल्व करो, हमें Vx की वैल्यू पता है, यहाँ पे लगाई, और V1 को मैं इधर ले गया, V1 हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आया ये I1 प्लस 6 I1 प्लस 2 I2 अपॉन 9। इसका LCM लो कितना आएगा? 9 I1 6 I1 प्लस 2 I2 अपॉन 9। तो V1 जो आएगा यहाँ से, वो आएगा 15 I1 प्लस 2 I2 अपॉन 9। तो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, 15 अपॉन 9 I1 प्लस 2 अपॉन 9 I2। तो ये कितना आ जाएगा? 5/3। V1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5/3 I1 प्लस 2/9 I2, ठीक है। जेड पैरामीटर निकालने के लिए V1 कितना, किसके टर्म में होना चाहिए? I1 और I2 के टर्म में, ठीक है। V1 आ गया, ऐसे V2 को निकालो। तो यहाँ पे आओ दोबारा से, यहाँ पे KCL लगाओ इस वाले में, तो माइनस V2 2 इंटू ये वाली करंट माइनस 2 Vx, ठीक है। तो माइनस V2 और 2 इंटू ये वाली करंट कितनी? I1 माइनस Vx प्लस I2। I1 माइनस Vx प्लस I2 माइनस 2 Vx इजिकल्स टू 0। बस Vx की वैल्यू लगा देंगे, यहाँ V2 को मैं उधर ले गया पहले ही, तो V2 हो जाएगा पॉजिटिव। 2 I1 माइनस 2 Vx प्लस 2 I2 माइनस 2 Vx कितना हो जाएगा? ये 2 I1 प्लस 2 I2 माइनस 4 Vx। Vx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं I1 और I2 के टर्म में,
यहाँ निकाली है ना, 6i1 + 2i2 / 9 यहाँ पे लगा दो उसको, तो 2i1 + 2i2 - 4 6i1 + 2i2 / 9 ठीक है, ये इसकी वैल्यू लगा दी हमने। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, एलसीएम आ गया 9, ये हो जाएगा 18i1, ये भी 18i2 - 4 के अंदर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो -24i1 - 8i2, तो ये कितना आ जाएगा 18 - 24 - 6i1 और 18 - 8 वो चाहेगा 10i2 / 9। इसको अब सेपरेट कर लो, कितना आ जाएगा -6/9 यानी -2/3 i1 और ये हो जाएगा 10/9 i2 ठीक है। यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको कहता हूँ 3, 2 और 3 से लिखो जेड पैरामीटर्स की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा फ्रॉम 2 एंड 3 हमें क्या मिलेगा, जेड पैरामीटर्स क्या मिलेंगे, यहाँ पे देखो i1 और i2 का कोएफिशिएंट कितना, यहाँ पे 5/3 यहाँ पे 2/9, तो पहले में आया 5/3 दूसरे में आया 2/9 ठीक है। v2 वाले में देखो -2/3 और 10/9, तो ये जेड पैरामीटर्स आ गए हमारे इस सर्किट के ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लो, सारे स्टेप देख लो ठीक है, का बस क्या करना था, Vx जो भी इंडिपेंडेंट दे रखा हो उसके I1 और I2 या V1 V2 के टर्म में कर लो, कहने का मतलब है जो भी अलग वेरिएबल आया था उसको वहाँ से पहले एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में वैल्यू निकाल लो और उसे फिर अप्लाई कर दो ठीक है, जैसे इसमें किया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।